ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर टू ऑफ EL 213 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। सो वी आर डिस्कसिंग बेसिकली अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। ओके जी, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस के जी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें लीनियर लाइन में या इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन बेसिकली डेटा स्टोर हो रहा होता है वन आफ्टर द अदर। तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं एरेज, लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमने फिगर में भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ट्रीज और ग्रास में कोई खास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें नॉन लीनियर टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो बेसिकली ये कहलाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अगेन लीनियर स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि ईच ऑफ देम इज अ कलेक्शन दैट स्टोर्स इट्स एंटिटीज इन अ लीनियर सीक्वेंस। वही लीनियर सीक्वेंस की बात होती है, मगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस जरूरी नहीं होता होना। अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे डिफर इन द रिस्ट्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ दीज एंट्रीज में बी एडेड, रिमूव्ड और एक्सेस्ड। क्या एग्जाम्पल है, जैसे हमने भी बात की थी क्यू की, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, जो एलिमेंट क्यू में पहले जाएगा वो पहले सर्विस होगा, जो लास्ट में जाएगा वो लास्ट में सर्विस होगा। एंड इन द सेम थिंग हमने स्टैक की भी एग्जाम्पल दी थी, स्टैक वॉज बेसिकली लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में एंट्री ऐड होगी स्टैक में वो फर्स्ट होगी रिमूव होने में, और लिखा हुआ भी है कि लीफो एंड फीफो। सो थोड़ा सा एरेज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, लीनियर और वन डायमेंशनल एरे। तो डिनोट कर सकते हैं A1, A2, A3। अगर एल्गोरिथम्स की बात करेंगे तो सबस्क्रिप्ट हमेशा वन से शुरू होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट A1 होगा एंड सो ऑन। मगर प्रोग्रामिंग में जब आप लैब में करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो दैट इज बेसिकली द कन्वेंशन फॉर द सी लैंग्वेज। तो डिनोट करने के लिए हम ये वाली राउंड ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, ज्यादातर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास एक क्या है, लीनियर एरे स्टूडेंट, इसमें जो नेम्स हैं 6 स्टूडेंट्स के हैं जो कि स्टोर हो रहे हैं। तो हमने एरे में जब स्टोर कराए तो स्टूडेंट 1 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, जॉन ब्राउन को, स्टूडेंट 2 सैंड्रा गोल्ड, स्टूडेंट 3 जो है वो टॉम जोन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली ये कहलाता है वन डायमेंशनल एरे, इसलिए कि इसमें सिर्फ एक डायमेंशन है, ठीक है, रोज हैं सिर्फ, ठीक है, मल्टीपल रोज हैं और कॉलम एक ही है। ऑन द अदर हैंड टू डायमेंशनल एरे जो होंगे उसमें रोज और कॉलम्स भी होंगे, जिनको हम मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस भी कहते हैं, और डेटाबेसेस में क्या कहते हैं, टेबल्स। तो डेटा, जैसे हमने याद है भी रिकॉर्ड्स के स्ट्रक्चर की बात की थी कि स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर था उसमें हर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर, CGPA वगैरह स्टोर करा रहे थे। तो बेसिकली वो टू डायमेंशनल एरे इसलिए होगा कि एक तो रोज होंगी और हर रो में मल्टीपल कॉलम्स होंगे, इस वजह से। तो एक और एग्जाम्पल है 2D एरे की, इसमें चेन 28 स्टोर्स की चेन है और ईच स्टोर जो है उसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 4। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो 28 है और हर स्टोर के डिपार्टमेंट क्या हैं, 4 हैं। तो बेसिकली अब जाहिर है इसमें स्टोर्स भी मल्टीपल हैं और स्टोर के डिपार्टमेंट भी मल्टीपल हैं, तो टू डायमेंशनल एरे में स्टोर कराना पड़ेगा, 2D एरे में स्टोर कराएंगे, जिसमें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट स्टोर को डिफाइन करेगा और सेकंड करेगा डिपार्टमेंट को, यानी कि स्टोर रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और डिपार्टमेंट कॉलम को कर रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में बेसिकली स्टोर 1 का डिपार्टमेंट 1 जो है वो क्या है, 2872 है। सिमिलरली स्टोर 1 का डिपार्टमेंट 2 जो है वो 805 है, स्टोर 1 का डिपार्टमेंट 3 जो है 3211 है। ठीक है, तो ये
रो बाय कॉलम होता है, ठीक है। तो रोज टोटल कितनी है, 28 स्टोर्स हैं, तो रोज कितनी होंगी, 28, और हर रो के डिपार्टमेंट 4 हैं, तो कॉलम्स क्या हो गए, 4। तो एरे हम कहेंगे 28 बाय 4, 28 रोज बाय 4 कॉलम्स, ठीक है। अब ये जरा सेल्स 1.1 क्या आएगा हमारे पास, सेल्स 1.1 आ गया 2872। सिमिलरली सेल्स 28.4 क्या होगा भला, नहीं इसमें सेल्स निकालना है हमें 28.4, तो 20 शाबाश, 28.4 वुड गिव अस अ 982, क्लियर। सिमिलरली फिर हम लिंक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट जो है दे हैव द डेटा विच इज द नोड एंड ईच नोड्स हेड इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। हेड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड 3 का जो पॉइंटर है वो नोड 5 को पॉइंट कर रहा है, और नोड 5 का जो पॉइंटर है वो नोड 7 को पॉइंट कर रहा है। हाँ, द फर्स्ट नोड इज ऑलवेज कॉल्ड एज द हेड नोड एंड लास्ट नोड इज ऑलवेज कॉल्ड एज द टेल नोड, ठीक है। बिल्कुल ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे टोटल 4 हैं, तो जो नोड 7 है वो लास्ट नोड है, उसके टेल पर हमने क्या स्टोर करा दिया, नल स्टोर करा दिया, जैसे मैंने पहले बताया था। अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बेसिकली इस डिस्कशन में हम क्या कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स बेसिकली वॉट इज कॉल्ड एज अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट की तरफ जाने के लिए हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास ये कस्टमर्स हैं और सेल्स पर्सन है, हमारे पास 9 रोज हैं, तो हर रो में हम क्या एंटर कर रहे हैं कि जी एडम्स जो है, जो कस्टमर है उसको किस सेल्स पर्सन ने सर्विस किया है। तो एडम्स को सर्विस किया है स्मिथ ने, ब्राउन को सर्विस किया है रे ने, सिमिलरली क्लार्क कस्टमर को सर्व किया है जोन्स ने, तो यहां पे बात है, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि स्मिथ ने कितने कस्टमर्स को सर्विस किया है, गौर से देखें, 3 हैं, एडम्स को भी किया है, इवांस को भी किया है और हिल को भी किया है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली रे ने, रे सबसे अच्छा सेल्स पर्सन है, तकरीबन 4 कस्टमर्स को सर्व किया हुआ है। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास डेटा की, ठीक है, कोई किसी डेटा स्ट्रक्चर में हमने इसको स्टोर नहीं कराया अभी, इट्स बेसिकली अ 2D एरे कह सकते हैं हम इसको, है ना, 2-डायमेंशनल एरे कह सकते हैं पहले में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि अगर मैं कस्टमर्स निकालना चाहूं जिनको रे ने सर्विस किया है, तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट रो टू द 9th रो। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा इस रिप्रेजेंटेशन में, कि मुझे किसी कस्टमर को के सेल्स पर्सन को निकालना हो या कोई भी कार्रवाई करनी हो, मुझे पूरी की पूरी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। किसी एक कस्टमर के बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए हो, तब भी मुझे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास सबसे बड़ा, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स अ ट्रैवर्सल। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंप्रूव दिस कंडीशन। सो टू इंप्रूव दिस कंडीशन बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, देखिए ना, क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू लिस्ट द कस्टमर्स फॉर रे, रे ने कितने कस्टमर्स को सर्विस किया है, उसको करने के लिए हमें पूरा का पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एंड ट्रैवर्सिंग इज समथिंग वेरी बैड। ट्रैवर्सिंग क्यों बैड है, ट्रैवर्सिंग का मतलब हर रिकॉर्ड्स को विजिट करना है, तो कम रिकॉर्ड्स होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ओ ऑफ एन की बात की थी ना मैंने, ग्रोथ बहुत ज्यादा है ट्रैवर्सिंग की इस केस में, कि जितने कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे उतना टाइम ज्यादा लगता चला जाएगा। हम करेंगे ट्रैवर्स करेंगे और हम कंडीशन क्या रखेंगे, सेल्स पर्सन नेम क्या है, रे। विल लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर द सेल्स पर्सन नेम इज रे। टू मच टाइम कंज्यूमिंग, और जो मैंने ओ ऑफ एन वाली बात बताई थी वो भी वैलिड है इसमें।
तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हमने किया क्या है, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में हमने एक कस्टमर और एक पॉइंटर बना दिया, और पॉइंटर जो है वो थर्ड जो पॉइंटर है वो स्मिथ को पॉइंट कर रहा है, सेकेंड किसका है, रे का है, और फर्स्ट जो है वो जोन्स का है। तो अगर हम डेटा देखें तो हम देखेंगे कि स्मिथ को स्मिथ ने किस किस को किया था, एडम्स को किया था, इवांस को किया था और हिल को किया था। स्मिथ ने एडम्स को किया था, इवांस को किया था और हिल को किया था, ठीक है। तो वही हमें यहां पे नजर आ रहा है कि एडम्स के भी पॉइंटर में स्मिथ की वैल्यू स्टोर्ड है, इवांस में भी स्मिथ स्टोर्ड है और हिल में भी स्मिथ स्टोर्ड है, एंड सो ऑन, दिस कैन बी वेरीफाइड फॉर इसे। अब यहां पे देखिए, यहां पे फायदा क्या है, एक फायदा ये हुआ है कि यहां पे हमारा यहां पे स्पेस कम कंज्यूम हो रही है, है ना, एक ही दफा हम स्टोर करा रहे हैं और उनको हम रेफर कर रहे हैं, तो स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है और लिखा हुआ भी है। क्यों बेहतर है कि बेटर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी कंजम्पशन, बिकॉज लेस मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू सेव नंबर्स रादर देन कैरेक्टर्स, ठीक है। यहां पे कैरेक्टर्स की बजाय नंबर स्टोर करा रहे हो ना, तो यहां पे कम स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, कहने का मकसद ये है। अच्छा, अगर किसी कस्टमर्स के किसी सेल्स पर्सन के लिए अगर कस्टमर्स को लिस्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे सवाल ये कि यहां क्या यहां पे भी ट्रैवर्सिंग इन्वॉल्व होगी, यस और नो, सोचे जरा। हाँ, क्या यहां पे भी ट्रैवर्सिंग, इस केस में भी ट्रैवर्सिंग इन्वॉल्व होगी हमारी, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल। और क्वेश्चन ये है कि हमें फॉर एग्जांपल किसी भी सेल्स पर्सन, लेट्स से हम कह देंगे जी जोन्स के कस्टमर हमने लिस्ट करने, जिसको जोन्स ने सर्विस किया है, तो क्या मुझे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी? नहीं सर, अब तो नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों? अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये है कि जोन्स को सर्च करने का मतलब है कि वन को सर्च करना है हमने, तो वही बात हो गई ना, जहां जहां वन स्टोर्ड है उन उन रिकॉर्ड्स को लिस्ट करना है हमें, तो ये बात तो अगेन ट्रैवर्सिंग के बगैर हम नहीं अंदाजा लगा सकते, है ना, उसी बिल्कुल। तो हम देखें तो यहां भी बेसिकली हमारा जो है ट्रैवर्सिंग इज स्टिल इन्वॉल्व, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन भी हमें इतना हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए कोर इशू जो हमारा ट्रैवर्सिंग का था वो स्टिल सेम है, मौजूद है। फिर अगर हम ट्रैवर्सिंग से बचना चाहते हैं तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएं। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें जो सेल्स पर्सन जोन्स हैं वो जितनी जितने भी कस्टमर्स को सर्विस कर रहा है उसके पॉइंटर हमने लिख लिए कि जोन्स ने कस्टमर थ्री और कस्टमर सिक्स को सर्विस किया है, जोन्स ने कस्टमर थ्री और कस्टमर सिक्स को सर्व किया है, ठीक है जी। सिमिलरली रे ने कस्टमर टू फोर सेवन नाइन को सर्च किया है, सॉरी सर्व किया है, तो टू फोर सेवन और नाइन लिख दिया हमने, तो अब हमें ट्रैवर्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, यस और नो, है ना, कि अगर हमने जोन्स के कस्टमर्स को मालूम करना है तो हम सिर्फ फौरन जाके पॉइंटर देख लेंगे जी थ्री और सिक्स को सर्व किया। सिमिलरली रे के कस्टमर्स को अगर देखना होगा तो हम टू फोर सेवन नाइन को हम सर्च कर देंगे, ठीक है। स्मिथ को करना होगा तो वन और फाइव और एट को सर्च कर देंगे। अब सवाल ये है कि इसमें क्या, सो ये वाली जो हमारी फाइनल रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमें मैक्सिमम एडवांटेज मिल गया कि हमें स्टोरेज भी एफिशिएंट है हमारी और इसकी मैनेजमेंट भी आसान है, क्योंकि रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर जो मैं पहले कहता हूं, तो रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर आर गुड।
अब ये जैसे ट्री है, तो ट्री में मैंने बताया था कि ट्री में रूट नोड होती है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, सिमिलरली ये लेफ्ट चाइल्ड, ये मिडिल चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड एंड सो ऑन। तो ये जो होता है ये रूट नोड कहलाती है अपर लेवल की, और ये चाइल्ड नोड्स होती हैं, दिस इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री जो है बेसिकली वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत ज्यादा सूटेबल होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और बेसिकली हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच इज बेसिकली 2x प्लस वाई होल मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस 7b क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, क्या हमें ब्रैकेट क्या बता रही है, पहले लेफ्ट साइड इवेलुएट होनी है और उसके बाद राइट साइड इवेलुएट होनी है, और फाइनली फिर लेफ्ट का प्रोडक्ट होगा राइट साइड से, यस और नो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है ये सबसे आखिर में होगा? ठीक है ना, जब भी जब लेफ्ट साइड हो चुकी होगी और राइट साइड भी हो चुकी, तो उसके बाद एंड में हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो वो ट्री हमारा ये चीज दिखा रहा है, हमें ये चीज बता रहा है हमारा ट्री। इसको अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए जी, सबसे रूट नोड पे सबसे पहली ऑपरेशन हुई 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट सब ट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2x प्लस वाई, ये पूरी लेफ्ट साइड इवेलुएट हो गई। सिमिलरली ए माइनस 7b होल क्यूब, ठीक है, तो 7b पहले इवेलुएट होना चाहिए, यस और नो? तो 7b इवेलुएट हुआ, उसके बाद a में से वो माइनस हुआ, तो a माइनस 7b हो गया, और फाइनली दिस रिजल्ट इज रेज टू द पावर ऑफ 3 क्यूब, तो रेज टू द पावर 3 हो गया। तो यहां पे बेसिकली फिर हमारे पास a माइनस 7b होल क्यूब आ गया इस पॉइंट पे, और यहां पे हमारे पास 2x प्लस वाई आ गया इस पॉइंट पे। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, क्लियर? सो दिस इज आवर बेसिकली दिस ट्री वाज, हाँ मल्टीप्लाई स्टेरिक, बिल्कुल स्टेरिक से शो कर रहा है। ठीक है जी, गुड। इसके बाद ये ग्राफ आ गया, ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज नॉट नेसेसरीली हायरार्किकल इन नेचर। तो ग्राफ जो है दो पेयर्स या दो नोड्स के दरमियान हायरार्की बताता है, और वो जरूरी नहीं कि वो लीनियर हो। तो ग्राफ्स कैन नॉट बी लीनियर, ग्राफ्स आर नॉट लीनियर, ग्राफ्स आर बेसिकली नॉन लीनियर इन नेचर। हायरार्की का मतलब वही हमने देखा था ना, कि जैसे ट्री पर सबसे टॉप था हायरार्की का, उसके बाद नीचे की हायरार्की थी, इस तरह से। तो ट्री जो है बेसिकली रिप्रेजेंट है हायरार्की। जैसे हम डिपार्टमेंट का ट्री बनाएंगे तो हमारे एचओडी हैं, फिर फुल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर। अब ये बता रहा है कि जी लॉस एंजलिस से अगर हमने न्यूयॉर्क जाना है, तुम्हारे पास मल्टीपल रास्ते हैं, हम लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क डायरेक्टली जा सकते हैं इस पाथ से, फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम लॉस एंजलिस से पहले मियामी जाएं और मियामी से हम न्यूयॉर्क जाएं, तो मल्टीपल पाथ हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ट्री इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल पाथ। तो सॉरी इट्स अ ग्राफ, गुड माय मिस्टेक, सही, इट्स अ ग्राफ। अच्छा जी, अब ये एक एग्जाम्पल 1.12 है, इसको जरा हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल 1.2 में क्या बता रहा है हमें बेसिकली, क्या कहा गया है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और बेसिकली इस ग्राफ को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, देन यू कैन कैरी इट आउट। तो बेसिकली हमारे पास ये सिटीज हैं, सिटीज में ये 1 अटलांटा है, 2 बॉस्टन है, 3 शिकागो, 4 मियामी एंड 5 फिलाडेल्फिया। फिर हमारे पास फ्लाइट्स हैं, जो बता रहे हैं कि जो फ्लाइट 701 की ओरिजिन क्या है, 2 विच इज बॉस्टन, 2 को हमने बॉस्टन किया हुआ, और डेस्टिनेशन क्या है, 3
थ्री शिकागो, तो बोस्टन टू से शिकागो थ्री पे हमने एरो बना दिया फ्लाइट का, और इस फ्लाइट का नाम क्या हो गया 701। तो नाउ आई वुड इनवाइट यू पीपल टू प्लीज नोट दिस डाउन इन योर कॉपीज, और इसको जरा कंप्लीट करें इसको ग्राफ, ठीक है, और फिर मुझे बताएं। ओके जी, इस एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 1.4, और इसमें बेसिकली रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। बेसिकली रिकॉर्ड एंड बेसिकली रिकॉर्ड डिनोट्स मल्टीपल फील्ड्स, जिनको हम फील्ड्स भी कहते हैं, जिनको हम आइटम्स भी कहते हैं, राइट। तो इसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर है, नेम, एड्रेस है, एज, सैलरी, डिपेंडेंट्स हैं। मगर वही बात है इसमें कि जो आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो तो ग्रुप आइटम नहीं है, राइट, बट योर नेम वुड बी अ ग्रुप आइटम, बिकॉज में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम हो सकता है। अगर हम एड्रेस को भी देखें तो एड्रेस को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एड्रेस कैन बी, जैसे गुलशन फॉर एग्जाम्पल हम लें तो गुलशन एक फील्ड हो जाएगा, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, नया नाजमाबाद, ठीक है, तो ये एक सब आइटम हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और फिर पोस्टल कोड होता है, पोस्टल कोड भी हो सकता है, दैट कैन बी अनदर आइटम। तो बेसिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इसको रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में, तो नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड। इसमें बेसिकली हमें पता चल रहा है कि बेसिकली हाउ द रिकॉर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ ट्री फॉर्म। तो रिकॉर्ड का जो सबसे पहला लेवल है एम्प्लॉई का लेवल, तो एम्प्लॉई का लेवल टॉप मोस्ट नोड है, जिसको रूट नोड कहते हैं। अब एम्प्लॉई के बाद जो लेवल टू पे कौन कौन से फील्ड हैं हमारे, लेवल टू पर है नेम, यस और नो, एड्रेस है, एज है, सैलरी है और डिपेंडेंट्स है। तो देखें ये लेवल टू पर सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया, नेम आ गया, एड्रेस, एज, सैलरी, डिपेंडेंट। फिर इससे अगला लेवल लेवल थ्री है, तो लेवल थ्री पर क्या है, लास्ट, शाबाश, फर्स्ट, मिड इनिशियल, स्ट्रीट है और फिर एरिया है। तो लेवल थ्री पर ये आ गया। और लेवल फोर पर क्या चीज है, सिटी, स्टेट, जिप। तो लेवल फोर पर सिटी, स्टेट और जिप आ गया। तो इस तरह से बेसिकली हमारा जो है ये हो गया, ट्री हो गया, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेशंस वो होते हैं जो एल्गोरिथम्स हम लिखेंगे, बेसिकली द थिंग्स और ऑपरेशन दैट कैन बी यूज और दैट कैन बी स्पेसिफाइड, दोज आर बेसिकली कॉल्ड द एल्गोरिथम्स, ठीक है। और ऑपरेशंस में क्या है कॉमन ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि यू रिकॉर्ड, यू एक्सेस ईच रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। रिमेंबर हमने देखा था कि ट्रैवर्सिंग इज नॉट गुड, हमने कोशिश की थी कि ट्रैवर्सिंग को या तो खत्म कर देंगे या मिनिमाइज कर देंगे। तो ट्रैवर्सिंग कुछ ऑपरेशन में जरूरी नहीं, मगर ट्रैवर्सिंग उस लिहाज से बेहतर हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लास के पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और आपने उन रिकॉर्ड्स में से क्या करना है, आपने आपने उन तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल्स को प्रिंट करना है, तब तो जाहिर है वो तो तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को विजिट करना पड़ेगा, तो उस केस में तो ट्रैवर्सिंग जरूरी है। मगर सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने अभी लिंक लिस्ट की एग्जाम्पल में देखा था। उसके बाद बेसिकली हमारे पास सर्चिंग है, सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड्स विद द गिवन की वैल्यू और सिलेक्शन क्राइटेरिया। किसी भी रोल नंबर को सर्च करा सकते हैं आप, किसी भी नेम को सर्च करा सकते हैं। इंसर्टिंग मीन्स एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड, डिलीटिंग मीन्स रिमूविंग अ रिकॉर्ड, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्डर, और फिर मर्जिंग है विच इज कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन टू सॉर्टेड फाइल्स इन टू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल, ठीक है। अच्छा जी, मर्जिंग का मतलब है कि जैसे दो सेक्शन हैं, अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में भी सॉर्टेड है, सेक्शन बी में भी सॉर्टेड फाइल है, मगर हम एक कॉमन फाइल बनाना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा मर्जिंग। तो वो सिंगल सॉर्टेड फाइल, बिल्कुल सिंगल सॉर्टेड फाइल होगी। अब एक एग्जांपल है जो डिस्कस हुई हुई है, ठीक है।
इसमें एक मेंबरशिप फाइल है जिसमें रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स में क्या है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज एंड सेक्स। अब इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं, हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए क्या क्या ऑपरेशन की जरूरत होगी। मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए तो ए क्या है, मेलिंग। हाँ, तो देन वन वुड, अच्छा एक मीटिंग में तो सबको बुलाना होगा जाहिर है, तो तमाम रिकॉर्ड्स को सर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सपोज वन वॉन्ट्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल मेंबर्स लिविंग इन अ सर्टेन एरिया। ठीक है, अब जाहिर है एक एरिया के मेंबर्स निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग करनी पड़ेगी, ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा। अब इसमें एक चीज ये हो सकती है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एरियाज को गुलशन को इस तरह से हमने किया हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ नाजमाबाद को हमने यूं किया हुआ है, सही है, और हमने सॉर्टिंग की हुई है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो फिर तो ये होगा कि पहले जब हम फील्ड पर आए तो उसके बाद हम आराम से ट्रैवर्स कर सकते हैं, पहले को हमने सर्च करके पहुंचे हम जंप करके और बाकी को हम ट्रैवर्स करते चले गए, तो इस केस में हमारी ट्रैवर्सिंग कम हो जाएगी या नहीं होगी, यस और नो। इसलिए गुलशन इकबाल पर तक तो हम डायरेक्ट पहुंच गए बाय सर्चिंग या बाइनरी सर्च या कुछ भी करके, फिर गुलशन इकबाल के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमने ऊपर से नीचे ट्रैवर्सिंग करके हमने हासिल कर लिए। मगर अगर फाइल अनसॉर्टेड है बिल्कुल, तो अनसॉर्टेड में तो कहीं भी नहीं पता कौन सा एरिया कहीं भी पड़ा हो सकता है, तो अनसॉर्टेड फाइल में फिर हमें पूरी की पूरी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। दैट इज बेसिकली द आइडिया दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस। अच्छा जी, लेट मी क्लोज दिस फाइल, इसलिए ये फाइल जो थी बेसिकली है। अच्छा जी, अब ये पार्ट सी देख लें। सपोज वन वॉन्ट्स टू ऑब्टेन एड्रेस फॉर अ गिवन नेम, क्या करेंगे हम, एड्रेस निकालना है किसी, मिस्टर एक्स वाई जेड कहां पे रहते हैं, तो सर्चिंग करनी पड़ेगी। अगर तो हमने नेम से सॉर्ट किया हुआ है फिर हम सिंपली सर्चिंग कर सकते हैं, और अगर हमने सॉर्ट नहीं किया हुआ है फिर तो इस काम के लिए भी हमें ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा पॉइंट डी में क्या करेंगे हम, बिल्कुल जैसे कोई नया स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन करेगा तो उसका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। पार्ट ई, जाहिर है अगर किसी मेंबर की वफात हो गई तो उसको फिर डिलीट करना पड़ेगा। पॉइंट एफ बताएं जरा, एफ में क्या होगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट में पॉइंट एफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपडेट में बेसिकली क्या होगा कि पहले तो हम करंट निकालेंगे उसकी एंट्री, उसके लिए हम सर्चिंग करेंगे स्टोर्ड। जैसे अपनी एग्जांपल दूं, मेरा एड्रेस अपडेट होगा ना, आप जी सर, तो मेरा पहला करंट एड्रेस निकलेगा क्या है, फिर अब उसमें वो अपडेशन होगी, तो करंट निकालने के लिए सर्चिंग करनी पड़ेगी। पार्ट जी, हाँ, एज जिनकी 65 हो या 65 से ओल्ड हो, बिल्कुल सर, ये भी एक तरीके से ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब कितने इसमें हैं,
ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, हमें पता नहीं कितने होंगे, हमें सब सब हम देखेंगे। और जब भी हमारा क्राइटेरिया मीट होगा, कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 जब हम करेंगे तो वो उन रिकॉर्ड्स को ले लेंगे जब हमारा क्राइटेरिया जो है वो पेज डाउन क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ जी, हम क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 65 ये क्राइटेरिया हम इस्तेमाल कर लेंगे जहां जहां हमारा होता रहेगा वो, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग हो जाएगी हमारी, मगर ये कंडीशन ही होगी हमारी ट्रैवर्सिंग की। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा एल्गोरिथम डिजाइन की बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमें खास तरीके से एल्गोरिथम को लिखना होता है, ठीक है। और एल्गोरिथम लिखने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एल्गोरिथम निकालना है फॉर द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे डेटा ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर हम इनिशियलाइज कर देंगे के को 1, के क्या है एलिमेंट जिसको सर्च करा रहे हैं, तो पहले पे कर दिया हमने, फर्स्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, नहीं एल्गोरिथम की जब भी बात करते हैं वो 1 से लेते हैं, प्रोग्रामिंग में हमेशा 0 से लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और हमने कहा कि जी जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसकी लोकेशन किससे डिनोट कर रहे हैं, एलओसी से कर रहे हैं, उसको भी हमने कह दिया जी पहला मैक्सिमम ही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहला जो है वो मैक्सिमम है। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5, 10, 2, 8 ये हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हमारा एल्गोरिथम क्या किया, हमने फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया और हमने कहा कि जी फर्स्ट ही हमारा मैक्सिमम है लेट से, तो हमने एलओसी को क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया, 5 कर दिया, उसके एलओसी में 5 कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट को किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, के को के प्लस 1 कर दिया, यानी कि सेकेंड एलिमेंट पे आ गए हम, और अगर के ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो जो भी वैल्यू आई होगी हमारे पास एलओसी की वो हम लिख देंगे, एलओसी की लोकेशन लिख देंगे और मैक्स लिख देंगे और एग्जिट लिख देंगे, ठीक है। अब के क्या हुआ, अपडेट हुआ, तो के अपडेट हुआ तो 1 से कहां पे आ गए, 2 पे आ गए, 2 पे आए हम, और 2 पे आ गए फिर हमने बेटा क्या किया, जाहिर है 2 ग्रेटर देन n तो नहीं है, n कितना है 4 है इस केस में, तो चूंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन n तो हम यहां पे आ गए, सही है। अब मैक्स क्या था हमारा, मैक्स हमने पहले रखा हुआ है, मैक्स डेटा ऑफ 1 रखा हुआ है, यानी कि मैक्स हमने क्या रखा हुआ था, 5 रखा हुआ था, और अब डेटा ऑफ के क्या हो गया, डेटा ऑफ के डेटा ऑफ 2 हो गया, डेटा ऑफ 2 क्या है 10, ठीक है जी। अब क्या 5 लेस देन 10 है, मैक्स क्या था 5 था ना पुराना जो था, और डेटा ऑफ 2 क्या है 10 है, डेटा ऑफ 2 क्या है 10, तो इस 5 लेस देन 10 यस, तो जब 5 सॉरी क्या हो रहा है यार, हां जब 5 लेस देन 10 हो गया तो हम क्या करेंगे, अब तो 5 तो मैक्सिमम नहीं रहा ना, मैक्सिमम हो गया अब 10, तो 5 को मैक्स को हमने किससे अपडेट कर दिया, 10 से अपडेट कर दिया डेट ऑफ 2 से, और लोकेशन को हमने 2 कर दिया। फिर दोबारा हम गए यहां पे, यहां पे थर्ड लोकेशन पे आएंगे, थर्ड लोकेशन पर 2 है, नाउ डेटा मैक्स क्या है 10, एंड 10 इज नॉट लेस देन
टू, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एल्गोरिथम के हिसाब से, हम स्टेप टू पे चले जाएंगे दोबारा, हम स्टेप टू पे चले जाएंगे तो थ्री से फोर पे चले गए हम। डेटा ऑफ फोर या डेटा ऑफ के क्या है, एट, एट टेन अगेन ग्रेटर देन एट है, टेन लेस देन एट नहीं है, तो चेंज नहीं होगा, तो मैक्सिमम हमारे पास टेन आ गया और एल ओ सी क्या आ गई हमारे पास टू आ गई जब एल्गोरिथम। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रन है, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप एट दिस पॉइंट फॉर टुडे, और फिर नेक्स्ट से फिर मैं